भाद्रपद पिठौरी अमावस्या 2023 14 या 15 सितंबर ये है सही तारीख, करना न भूले ये तीन काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पिठौरी अमावस्या कब है, पूजा व स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में पूर्णिमा के ही तरह अमावस्या तिथि का भी खास महत्व है। भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या भादो, कुशा ग्रहणी और पिठौरी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन कुशा नामक घास इकट्ठा की जाती है, इसीलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। साल 2023 में भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद पितृतर्पण और दान का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं साल 2023 में भाद्रपद अमावस्या पर पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। भाद्रपद अमावस्या शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में भाद्रपद या पिठौरी अमावस्या 14 सितंबर गुरुवार को होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर प्रातःकाल 4:48 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर प्रातःकाल 7:09 पर। पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:52 से दोपहर 12:41। स्नान दान का समय होगा प्रातःकाल 4:43 से प्रातःकाल 5:19। अमावस्या पूजा विधि, शास्त्रों के अनुसार सुहावन महिनाएं, इस दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा जल मिले जल से स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आटे को गूंथ कर 64 देवियों की प्रतिमाएं बनाएं और विधिवत सभी की पूजा करें। सभी देवियों को श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी चूड़ी अर्पित करें। इसके बाद आटे का प्रसाद देवी को भोग लगाएं। पूजा के बाद जरूरतमंदों को वस्त्र भोजन आदि का दान कर व्रत का पारण करना चाहिए। भादो अमावस्या शुभ योग 2023। ज्योतिष अनुसार इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन साध्य योग का सहयोग बन रहा है और साथ ही इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक होगा। भाद्रपद पिठौरी अमावस्या उपाय। हिंदू मान्यता अनुसार भादव पिठौरी अमावस्या तिथि को पितृदोष दूर करने के लिए किए उपाय अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण और अन्न दान करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पिठौरी अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्मों का उदय होता है। धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में प्रवाहित करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।